हमारे लिए एक ऐतिहासिक दिन है, बहुत ही खुशी का दिन है। 500 साल बाद हमारा जो सपना था वो पूरा होने जा रहा है, जो कि हमारे मोदी जी ने पूरा किया है। आज राम लल्ला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई है अयोध्या में, और वहाँ पे सब लोग आज टीवी पे देख रहे थे, हमने भी यहाँ पे स्क्रीन लगाई है, लेकिन अयोध्या सबको जाने के लिए मिलता है नहीं मिलता है। आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट था, इसलिए वर्षों विधानसभा में मैंने आज ये पूरा सेट लगवाया, अयोध्या नगरी खड़ी की, ताकि हमारे जो रहवासी है उनको यहाँ पे दर्शन लेने के लिए मिलेगा और एक आनंद मिलेगा, उत्सव का आनंद मिलेगा कि यहाँ पे मूर्तियाँ भी मैंने राम का दरबार खड़ा किया है, आप देख सकते हो। तो इस दरबार में आज बहुत सारी हमारे सुंदर कांड हो, सत्यनारायण हो, शाम को महाभंडारा हो, हवन, यह सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो एक विशेष रूप से हमें बहुत ही खुशी मिल रही है, लोग भी खुशी से आज बहुत ही आनंद उत्सव मना रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको शुभकामनाएं देती हूँ आपके माध्यम से सारे लोगों को। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक सपना पूरा हुआ हमारा, कह सकते हैं सपना था हमारा, सपना पूरा हुआ है ना, 500 साल पुराना, जो कि कब से हम इंतजार कर रहे थे इस क्षण का, इस ऐतिहासिक क्षण का, अलौकिक क्षण का, जो आज पूरा हो गया है। एक बार और देखने मिल रहा है कि हमारे, खासतौर मुंबई की बात करूंगा मैं, तो मुंबई में कोई ऐसी घटना भी नहीं हुई है, सब मिलके कर रहे हैं, हर कोई, कोई अरे हर जात के हर धर्म के लोग मिलके कर रहे हैं। हमारे यहाँ भी सारे धर्म के लोग यहाँ पे दर्शन लेने के लिए आ रहे, खुशी का माहौल है, एकता का माहौल है। इस बहाने सब लोगों में एक अच्छी सी खुशी की लहर आई है, तो मुझे लगता है कि इसके बारे में ऐसा सोचना भी गलत है। हम सब लोग मिलके कर रहे हैं तो आनंद उत्सव मना रहे हैं। जय श्री राम।